देखिए ये लोकतंत्र पे प्रहार किया गया है और बुरी तरह से छात्रों को पीटा गया है। कई छात्रों के पैर टूट गए हैं, हाथ टूट गया है, सर फट गया है और हमें टारगेट करके मारा गया सर पे कान में, जबकि सबको पता है कि मेरा ऑपरेशन हुआ ट्यूमर का और चोट नहीं लगनी चाहिए। पूरे देश के अभ्यर्थियों की मांग है कि एक सेट में क्वेश्चन दिया जाए, एक सेट में, जैसा कि अभी तक होता आया है, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, अन्य राज्यों की सिविल सेवा हो, सब में एक सेट में ही क्वेश्चन दिया जाता है, लेकिन बीपीएससी अलग अलग सेट, दो या तीन सेट, चार सेट में क्वेश्चन देना चाहती है। हम लोग चाहते हैं एक ही सेट में क्वेश्चन दिया जाए और नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल लागू नहीं हो, यही हम लोग का डिमांड है। लेकिन बीपीएससी चेयरमैन जो है वो घमंडी बने हुए हैं, अहंकार उनमें भरा हुआ है और छात्रों से नहीं मिलते हैं, छात्र प्रतिनिधि से नहीं मिलते हैं, मनमानी कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। बिहार को प्रशासनिक अधिकारी देते हैं, वो गुरु आज सड़क पर उतरे हुए हैं और सरकार जो है सचिवालय में बैठकर सोच रही है कि एफआईआर करे या जेल में डाल दे। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है या तानाशाही व्यवस्था? ये बिल्कुल तानाशाही है, हिटलर शाही है, ये हिटलर शाही है, तानाशाही है। अंग्रेज भी इस तरह से नहीं करते थे, शांतिपूर्वक आंदोलन पर अंग्रेज भी लाठी नहीं चलाते थे। अगर सरकार आपकी डिमांड को नहीं मानती है तो क्या होगा? तो आंदोलन जारी रहेगा, हम लोग का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। जो बच्चे हैं उनसे हम बात कर रहे थे, उनका कहना है कि अगर सरकार डिमांड नहीं मानेगी तो हम लोग अपना एडमिट कार्ड जला देंगे, इस पे क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल परीक्षा का बहिष्कार करें, परीक्षा देने से क्या फायदा, जब ये सीट ही बेच देंगे, सेटिंग करेंगे, शिक्षा माफियाओं के कहने पर ये नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे, अलग अलग सेट में क्वेश्चन देंगे, तो फिर एग्जाम देने से तो कोई फायदा है नहीं। जानवर मरते हैं तो गिद्ध पहले आ जाते हैं राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, लेकिन बिहार के उन छात्रों के भाग्य भविष्य के बारे में सोचने को कोई तैयार नहीं है। जन आंदोलन हो रहा है और जो व्यक्ति अपनी छातियों पर लाठी खा रहा है उन पर भी बात करेंगे और सीधा बात करेंगे। देखिए एक जन आंदोलन होता है, लाठियां चलती हैं, बच्चे आते हैं, क्या लगता है क्या हो रहा है? देखिए ये लोकतंत्र पे प्रहार किया गया है और बुरी तरह से छात्रों को पीटा गया है, कई छात्रों के पैर टूट गए हैं, हाथ टूट गया है, सर फट गया है और हमें टारगेट करके मारा गया सर पे कान में, जबकि सबको पता है कि मेरा ऑपरेशन हुआ ट्यूमर का और चोट नहीं लगनी चाहिए, इसके बावजूद टारगेट करके सचिवालय थाना का एक रजनीश शायद नाम है, कंफर्म नहीं हो लेकिन शायद यही नाम है, वो किस पद पे है मुझे नहीं पता, दरोगा है क्या, लेकिन बार बार मुझे टारगेट करके वो मारते हैं और इस तरह से मारा जाता है जैसे मेरी हत्या करना चाहते हो। आज भी टारगेट करके मारा गया, हम LNJP अस्पताल में भर्ती थे और अभी हमें गर्दनी बाग धरना स्थल पे आना था तो अभी बहुत सारा जांच नहीं करवा पाए हैं, बाद में जांच होगा, लेकिन अभी दवा ववा दिया गया तो अभी थोड़ा ठीक है, इसलिए हम अभी गर्दनी बाग धरना स्थल पर। हम लोगों की मांग है कि सिविल सेवा में, चूंकि पूरे देश के अभ्यर्थियों की मांग है कि एक सेट में क्वेश्चन दिया जाए, एक सेट में, जैसा कि अभी तक होता आया है, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, अन्य राज्यों की सिविल सेवा हो, सब में एक सेट में ही क्वेश्चन दिया जाता है, लेकिन बीपीएससी अलग अलग सेट, दो या तीन सेट, चार सेट में क्वेश्चन देना चाहती है, तो हम लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं। किसी सेट में क्वेश्चन आसान हो सकता है, किसी में टफ हो सकता है, किसी सेट में है कि 10 क्वेश्चन का आंसर गलत हो, किसी में 4 क्वेश्चन का आंसर गलत हो, तो जिस सेट में ज्यादा आंसर गलत होगा वो ज्यादा प्रभावित होगा, इसलिए हम लोग चाहते हैं एक ही सेट में क्वेश्चन दिया जाए और नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल लागू नहीं हो, यही हम लोग का डिमांड है। लेकिन बीपीएससी चेयरमैन जो है वो घमंडी बने हुए हैं, अहंकार उनमें भरा हुआ है और छात्रों से नहीं मिलते हैं, छात्र प्रतिनिधि से नहीं मिलते हैं, मनमानी कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। अच्छा दिलीप जी, लगातार जन आंदोलन हो रहा है, पटना के जितने भी शिक्षक हैं सब यहाँ बैठे हुए हैं सड़क पर हैं, आपको नहीं लगता है कि जो DSP बनाते हैं, जो बिहार को प्रशासनिक अधिकारी देते हैं, वो गुरु आज सड़क पर उतरे हुए हैं और सरकार जो है सचिवालय में बैठकर सोच रही है कि FIR करे या जेल में डाल दे, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है या तानाशाही व्यवस्था? ये बिल्कुल तानाशाही है, हिटलर शाही है, ये हिटलर शाही है, तानाशाही है। अंग्रेज भी इस तरह से नहीं करते थे, शांतिपूर्वक आंदोलन पर अंग्रेज भी लाठी नहीं चलाते थे, लेकिन यहाँ शांतिपूर्वक आंदोलन पे लाठी चलाया जा रहा है, बेदर्दी से, बेरहमी से मारा जा रहा है और ये सब सिविल सेवा के अभ्यर्थी है, इसी में से कोई आगे DSP बनेंगे, कोई SDM बनेंगे, कोई UPSC पास करके SP बनेंगे, IAS बनेंगे और कई लोग तो ऐसे हैं जो अभी सरकारी पद पर हैं केंद्र सरकार और बिहार सरकार में और वो लोग भी आंदोलन में आए हुए हैं। अगर सरकार आपकी डिमांड को नहीं मानती है तो क्या होगा? तो आंदोलन जारी रहेगा, हम लोग का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। लेकिन जो बच्चे हैं उनसे हम बात कर रहे थे, उनका कहना है कि अगर सरकार डिमांड नहीं मानेगी तो हम लोग अपना एडमिट कार्ड जला देंगे, इस पे क्या कहेंगे?
देखिए बिल्कुल परीक्षा का बहिष्कार करें, परीक्षा देने से क्या फायदा, जब ये सीट ही बेच देंगे, सेटिंग करेंगे, शिक्षा माफियाओं के कहने पर ये नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे, अलग अलग सीट में क्वेश्चन देंगे, तो फिर एग्जाम देने से तो कोई फायदा है नहीं, एग्जाम देने से कोई फायदा नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं परफेक्शन के सर, यहाँ रामांशु सर है, रोशन सर है, चंदन सर है, सभी लोग सपोर्ट में हैं। इन लोगों से भी आप राय लीजिए, दीपक जी हैं, सबसे राय लीजिए कि सभी शिक्षक भी चाहते हैं। आपको क्या लगता है, बच्चों को पढ़ाते हैं तो उन्हें शिष्टाचार सिखाते हैं, बेहतर जीवन जीना सिखाते हैं, ये सड़क पर इतने बड़े शिक्षक? आप ये बताइए, एक भी बच्चा हम लोग का कोई अपशब्द बोला हो, पत्थर फेंका हो, गाली दिया हो, किसी बच्चे ने कुछ नहीं किया, सारे बच्चे शांति से गए और हमने ना कोई यहाँ शोर किया ना कुछ किया, हमने कहा बस मिलवा दीजिए, अपनी बात को हम रख दे। और ये बात एक हफ्ते से सारे टीचर अपने प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, और किसी भी आप टीचर के मुख से एक अपशब्द नहीं सुने होंगे। ये सारे हमारे बच्चे संस्कार वाले हैं और ये अपने भविष्य के लिए नहीं, बिहार के भविष्य के भी लड़ रहे हैं। इनको मालूम है कि जिस दिन उन पदों पे भ्रष्टाचारी बेमानी आ जाएंगे, बैक सीट से लोग आ जाएंगे, तो कभी वो बिहार के लिए नहीं करेंगे। आज जो हमको मार रहे हैं, कल आपको मारेंगे, उन नेताओं को मारेंगे, उन अधिकारियों को मारेंगे, उन अधिकारियों के बच्चों को मारेंगे। आज जो अधिकारी उस पद पे बैठे हैं, कल उनके बच्चे भी तो एग्जाम देंगे, और जब कोई दूसरा अधिकारी इस तरह का काम करेगा तो उनको ये बात जो है सहन होगा। आज उस पद पे वो बैठे उनको नहीं समझ में आ रहा है, एक बार जब गलत परंपरा शुरू हो जाती है तो उसका परिणाम सबको भुगतना पड़ता है। परंपरा गलत होगी, आपको क्या लगता है सरकार को तत्काल क्या करना चाहिए? सरकार को तत्काल, आयोग सिंपल बात बोल रहा है कि हम कहां कहें कि नॉर्मलाइजेशन हम करेंगे। छात्र नेता दिलीप जी का, सभी शिक्षकों का मांग है तो लिख दीजिए कि हम नॉर्मलाइजेशन एग्जाम नहीं करेंगे, बस सिंपल बात है। ट्रांसपेरेंसी के लिए आपके जो करना है करिए, नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, बस सिंपल बात है, एक लाइन का बात है। और आप इतना, ये जितने भी लोग हैं, एक सप्ताह बाद जो है कि एग्जाम देना है, ये टॉर्चर नहीं तो और क्या है? टॉर्चर नहीं है तो क्या है? देखिए हमारे साथ और भी शिक्षक है, हम कोशिश करेंगे उन तमाम बड़े चेहरों से बात करवाने के लिए। क्या क्या लग रहा है आपको, होना क्या चाहिए? बस सभी छात्रों के लिए सिंगल पेपर होना चाहिए, ये नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं चलेगा। अलग अलग छात्रों के लिए अलग अलग क्वेश्चन पेपर बिल्कुल नहीं चलेगा, सिंगल शिफ्ट सिंगल पेपर होना चाहिए, यही हमारी मांग है। और इसी के लिए आप देखेंगे इतने सारे छात्र जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं बीपीएससी से। एक छोटा सा मांग है कि आप क्या कीजिए, बस एक नोटिस जारी कर दीजिए कि सिंगल शिफ्ट में सिंगल पेपर होगा और फॉर्म रीओपन होगा। सभी जो छात्र वंचित रह गए थे उन छात्रों को भी जो है फॉर्म भरने का मौका मिले। अगर सरकार डिमांड नहीं मानती है, इससे पहले भी कई बड़े जन आंदोलन हुए हैं, क्योंकि आप लोग बच्चों के बीच रहते हैं, आगे का क्या हो? यहीं बैठे रहेंगे, जब तक नहीं मानेगी यहीं बैठे रहेंगे, और छात्र भी हमारे साथ तैयार हैं, क्योंकि जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। बच्चों के कईयों का तो पैर टूट गया है, पैर पे लाठी मारी गई, पैर टूट गया है, लड़कियों का पैर टूट गया है, माथा फूट गया है, इसका जवाब कौन देगा? सवाल बड़ा मौजूद है, और जो लोग बैठे हुए हैं बिहार के चर्चित चेहरे हैं, आपको लगता है बच्चों को तैयारी करनी चाहिए? सरकार ने इतनी बड़ा एक जन आंदोलन को खुद ब खुद जन्म दे दिया, इसका परिणाम क्या? 2025 में चुनाव है, सरकार भी सोच ले कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। सरकार बच्चों के भविष्य के साथ पूरा तरह से खेल रही है। पहला मुद्दा है कि 4 नवंबर को आपका सर्वर क्रैश कर जाता है, तो जब आपका सर्वर क्रैश करता है तो आपके मनु भाई परमार से जो आप बना करके चेयरमैन को बैठे हुए हैं, वो कहते हैं क्या कि वो सीरियस बच्चे नहीं थे जो 4 नवंबर को ये फॉर्म भर रहे थे। आप तय करेंगे कि बच्चे कौन सीरियस है और कौन नहीं सीरियस है, ये कैसे आपके पास कौन सा स्टैंडर्डाइजेशन है इसको तैयार करने का? तो सबसे पहला तो गड़बड़ ये है, और उसके बाद आप मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं, और आपके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि आप अपने वेबसाइट पर एक नोटिस इशू कर दें? आप जितने शिक्षक बैठे हुए हैं सब पागल हैं, जितने बच्चे बैठे हुए हैं सब पागल हैं। तो मुद्दा साफ है, पहले तो आप फॉर्म भरने की तिथि ओपन करिए सर्वर को, ये आपका दोष था, इसमें किसी बच्चे का प्रॉब्लम नहीं था। और दूसरा, आप स्पष्टीकरण जारी करिए कि नॉर्मलाइजेशन हम भविष्य में भी नहीं रखेंगे, यही मुद्दा है सभी का। चलिए, मुद्दा काफी अहम है, और जिस तरह से जन आंदोलन भड़का है, इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार की नीतियां जो है वो जिम्मेवार है। लगातार हम बातचीत करते रहेंगे।